श्रोताओं नमस्कार, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका मकसद लोगों के बीच लड़कियों के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए नए अवसर उपलब्ध करवाना, उनके लिए मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना, जेंडर इक्वेलिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना, शोषण से बचाना और वे सभी चीज़ें और सुनिश्चितताएं जिनसे हमारी बच्चियों को भी लड़कों के बराबर एक समान अधिकार प्राप्त हो सके, आगे बढ़ने के एक से मौके उपलब्ध हो सकें। इसी दिन के अवसर पर हमने बात की समाज के विभिन्न वर्गों से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों से और उनसे उनके विचार जानने की कोशिश की। जानी मानी शिक्षाविद और जम्मू यूनिवर्सिटी तथा क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में बतौर डीन अकेडमिक अफेयर्स सेवानिवृत्त डॉक्टर पूनम धवन इस अवसर पर अपने अनुभव और विचार साझा करते हुए। 24 जनवरी बालिका दिवस है। मैं आप सबको इस दिन की बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिन बालिकाओं को समर्पित है और वर्ष 2008 से हमारे देश में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, क्योंकि बहुत से शोधों से जाना गया और बहुत से अनुभवों से ये माना गया कि बालिका समाज की अमूल्य धरोहर है। उससे हो रहे अन्याय और भेदभाव को रोकने के प्रति और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी कारण से एक अभियान के तौर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की पहल की गई। इस मौके पर पूरे देश में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा, समानता, शिक्षा, लिंग अनुपात, पोषण, स्वास्थ्य और उनकी तरफ बढ़ते हुए अपराधीकरण जैसे अहम विषयों पर सजगता और संवेदनशीलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। कई अन्य देशों की तरह भारत में भी पितृसत्ता और पुरुष प्रधानता की सोच के कारण लड़कियां बोझ मानी जाती हैं। बहुत सी बार तो उनको कोख में मार दिया जाता है। कहीं पोषण की कमी रहती है, कहीं देखभाल की कमी रहती है। बहुत सी तो बचपन ही नहीं जी पाती, क्योंकि वो तानों के बोझ के तले या काम के बोझ के तले दबा दी जाती हैं। आज भी विश्व की हर तीसरी चाइल्ड ब्राइड भारतीय है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में चाइल्ड कंट्रीब्यूशन, जो चाइल्ड लेबर में लड़कियां कर रही हैं, वो गिनी नहीं जाती है। राइट टू एजुकेशन होने के बावजूद भी लड़कियों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में जहाँ पढ़ाई के साथ स्किल्स की आवश्यकता है, जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ जैसे शोबों में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुताबिक अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, वो काफी कम है। धीरे धीरे बढ़ रही है, मगर उसे और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमें नए जमाने के लिए नए बच्चों को तैयार करना है, जिन्हें डेटा साइंस पता हो, जिन्हें नए बिजनेसेस के बारे में पता हो, जो मशीन लर्निंग जानते हो, ताकि उन्हें नए नए रोजगार के अवसर भी मिल पाए, ताकि वो देश और समाज की प्रगति में बराबर के हिस्सेदार बन पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि बालक और बालिकाएं दोनों को समान अधिकार मिले आगे बढ़ने का, अपने जीवन में नए नए अवसर ढूंढने का और एक सुरक्षित संदर्भ में जीने का। विश्व की बहुत सी मान्य संस्थाओं ने और भारत सरकार ने जहां बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, वहां सिर्फ योजनाओं से बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि सही बदलाव तो मानसिकता में लाना होगा। नारी के प्रति, बालिका के प्रति समानता और सम्मान की भावना को हम सबको मिलकर बढ़ाना होगा। आओ हम सब मिलकर प्रण करें कि हम बेटे और बेटी में अंतर नहीं करेंगे। हम उन्हें सुनहरे भविष्य के सपने देखने देंगे और उन सपनों को साकार करने के लिए तैयार करेंगे, ताकि हम सही से एक गौरवशाली देश में हर बालिका, हर नारी, हर पुरुष को सही अवसर दे पाए और एक अच्छे जीवन को जीने का अधिकार दे पाए। केंद्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापन, प्रशासन व अन्य कई पदों पर काम कर चुकी सविता विशिष्ट ने बालिका दिवस पर अपना संदेश यूं दिया।
नमस्कार जी, ये दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है कि हम इन बच्चियों के लिए सोचते हैं और कुछ अच्छा सोचना चाहिए, उनके लिए अच्छा बनाना चाहिए उनको, और वो इंडिपेंडेंट हो, उनकी अपलिफ्टमेंट ऐसी बनानी चाहिए उनके लिए। हमें सबसे पहले ये है कि हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट, बच्चियों को इंडिपेंडेंटली डेवलप करना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है जिसके थ्रू वो अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकती हैं, अचीव कर सकती हैं और बहुत ऊंचाइयों को छू सकती हैं। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एजुकेशन देनी बहुत ही जरूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ ग्रूमिंग, उनको घर का माहौल ऐसा मिले, पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट मिले कि वो अपने आप दुनिया को फेस करने की और उसको चैलेंज करने में क्षमता रखती हूँ, और वो किसी चीज में पीछे नहीं रहेंगी अगर उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और हमें ऐसे उनको बनाना है कि वो दुनिया में अपना नाम, अपना कॉन्फिडेंस दिखा सके और किसी से पीछे नहीं रहें, वो ग्लास सीलिंग को ब्रेक करके सबके सामने आए। और हमारी बेटियां इतनी क्षमता रखती हैं, वो हर मुकाम में पहुंच सकती हैं, हर एरिया पे वो अपना बेस्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। सिर्फ ये है कि हमें उनको सपोर्ट करना है, एजुकेशन देनी है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना है। वो कभी भी ये ना कहें कि मेरे को और चेक नहीं करना है, मैं यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना है, वो नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे। लोग हमसे बनते हैं, हम ही हैं वो लोग। हमें इन चीजों से ऊपर उठना है, हमें उनको अच्छा बनाना है, अच्छा सपोर्ट करना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी ग्रूमिंग देनी है, उनको एक्सपोजर मिले और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो दुनिया को, पूरी सोसाइटी को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को दिखा सके कि उनमें जो ताकत है वो बहुत ही अहम है। और वो हम कहते हैं ना कि इफ वी एजुकेट अ मैन वी जस्ट एजुकेट हिम, बट इफ वी एजुकेट अ वुमन वी एजुकेट द होल जनरेशन, कमिंग जनरेशन, फुल फैमिली गेट्स एजुकेटेड। सो दिस शुड बी आर एम एंड अचीवमेंट टू सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड, मेक देम क्रिएटिव, सपोर्टिव एंड एक्सपोज देम टू अचीव देयर गोल्स। दिस इज माई बेस्ट विशेज फॉर ऑल द वुमेन, ऑल गर्ल्स, ऑल लेडीज, एंड I wish that they should be at the topmost level of the world. डॉक्टर सुरजीत सिंह, जो कि एक वैज्ञानिक के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM से रिटायर हो चुके हैं, समाज में बच्चियों के सशक्तिकरण के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानें। समाज में औरतों के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है। औरतें हर एक क्षेत्र में अपना बराबर का योगदान दे रही हैं, जैसे कि साइंस, आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स और खेल इत्यादि। इतना करने के बाद भी इनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। गर्ल चाइल्ड डे मनाना मात्र बहुत नहीं होगा, इसका सही महत्व तभी हो सकता है जब हम सब बच्चियों को प्रोत्साहन दें, और ये प्रोत्साहन पिता अपनी बेटी को, भाई अपनी बहन को, पति अपनी पत्नी को और एम्प्लाई अपनी को एम्प्लाई को दे सकता है। गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन सही रूप में तभी संपूर्ण होगा अगर हम सब मिलकर ये प्रयत्न करें कि जो भेदभाव बच्चियों के साथ समाज में हो रहा है वह खत्म हो जाए और एक नया भारत का निर्माण हो। जय हिंद। हमारी बच्चियां आज हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नाम कर रही हैं, काम कर रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता का लोहा ना मनवाया हो। शतरंज खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट मीनल गुप्ता, जो कि द गोल्डन विजन किताब की ऑथर भी हैं, का श्रोताओं के नाम संदेश। हेलो एवरीवन, मीनल गुप्ता हियर। आई एम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इन चेस एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन विजन। मुझे स्टेट अवार्ड, शेरे कश्मीर अवार्ड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अवार्ड और जितने भी अवार्ड J&K UT में ऑफर होते हैं लगभग सभी से नवाजा गया है। गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर मैं सबसे, पर एसेप्शली गर्ल से ये कहना चाहूंगी कि दुनिया में ऐसा कोई मुकाम नहीं है जहां आज लड़कियों ने पहचान नहीं बनाई है, इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली। आई थिंक
एज अ पेरेंट्स वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट एटमोसफेयर, दैट फ्रेंडली एटमोसफेयर, जहां हम गर्ल्स को उतनी ही मॉरल सपोर्ट, उतनी ही फाइनेंशियल सपोर्ट और उन पे उतना ही भरोसा करें जितना कि हम बॉयज पे करते हैं. और सिर्फ उन पे भरोसा ना करें बल्कि उनको भी खुद पर भरोसा करना सिखाएं. उनको हम इतना काबिल बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि उनको किसी चीज़ की लाइफ में ज़रूरत ही ना बने, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, उनको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत ही ना पड़े. आई थिंक काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी लोग डिपेंड रहते हैं. गवर्नमेंट स्कीम से गर्ल्स राइज नहीं हो सकती, उनसे सिर्फ उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा सपोर्ट्स पेरेंट्स की चाहिए. आई थिंक मैक्सिमम इंडियन मेंटेलिटी जो पेरेंट्स की होती है वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो गर्ल्स की मैरिजेस पे एग्जॉस्ट करते हैं. बट आई थिंक अगर हम गर्ल्स की मैरिजेस को असाइड रखते हुए वही रिसोर्सेज अगर हम उनकी एजुकेशन और उनकी करियर बिल्डिंग पे यूटिलाइज करें तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक उनके लिए बेनिफिशरी साबित होगा. अगर गर्ल्स खुद पर ये भरोसा करें कि वो हर फील्ड में कामयाब हो सकती हैं तो ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ हाफ विन बेसिकली. एंड आई थिंक कि अगर इतना भरोसा उनमें आएगा तो वो हर फील्ड में अपना लक आजमाने में नहीं घबराएंगी. अगर वो सक्सेसफुल होंगी तो मिसाल बनेंगी, लेकिन अगर वो फेल भी हुई तो भी एक बेहतर इंसान ज़रूर बनेगी. आई थिंक इसी भरोसे के साथ हमें अपनी गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए. थैंक यू. एक युवा अध्यापिका मारवी शर्मा, जो कि एक आर्ट टीचर हैं, बच्चों की शिक्षा को उनके सशक्तिकरण का मूल मंत्र बताते हुए बच्चियों के साथ काम करने का अनुभव भी साझा कर रही हैं. Hello everyone, this is Marvi Sharma and I am a teacher. Today I am here to tell you the importance of girls' education. Girls' ki education bahut zyada zaruri hai hamari country ke bright future ke liye. Girls educated hongi tabhi wo independent hogi. Aaj bhi bahut sari aisi families hain jahan boys ko unki education ko, unke future ko zyada importance di jati hai as compared to girls. बट एज ए टीचर मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि मैं ये डेली देखती हूँ कि गर्ल्स में ज़्यादा कैलिबर है कुछ सीखने का, कुछ करने का, अपनी पहचान बनाने का एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. वो चाहे फिर कोई भी क्षेत्र हो, जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, आर्ट है, एनीथिंग, गर्ल्स किसी भी चीज़ में आजकल आगे हैं बॉयज़ से. गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड सो दैट दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी. इफ़ वी विश टू सी इंडिया प्रोग्रेस एंड डेवलप, we need to educate our girl child. They are indeed the future of our nation. Moreover, when they became educated, they will not have to depend on others for their livelihood. Beti bachao, beti padhao. Thank you. ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हों, कमतर हों या किसी भी नजरिए या किसी भी लिहाज से कम समर्थवान हों. उभरती हुई युवा पत्रकार रेनू बाला से जानते हैं बालिका दिवस पर उनके विचार. आने दो इस धरा पे मुझको, स्नेह भरी निगाह से देख सकूं मैं सबको. कसूर क्या है मेरा ये पूछूंगी जग से, भ्रूण हत्या ना करें ये कहूंगी तब जग से. आराध्य से मांगे वरदान, सारे पुण्य व्यर्थ जाएंगे. जब करोगे भ्रूण हत्या सारे जग में कहीं ना कहीं बदनाम हो जाओगे. किसी ने सच कहा है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है. सृष्टि की शुरुआत से महिलाओं का सम्मान किया जाता जा रहा है, लेकिन युग काल और सदियां बीतने के साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलती चली गई. बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं अभी भी समाज में व्याप्त हैं. आए दिन यौन शोषण, दुष्कर्म, गैंगरेप और हत्या की खबरें सामने आती रही हैं. दुनिया भर में बेटियों के प्रति समाज का दोहरापन दिखता है. लड़कियों को आज भी शिक्षा, मानवाधिकार और कानून अधिकारों से वंचित रखा जाता है. आखिर क्या कसूर है लड़कियों का? लड़कियों को उनके तमाम अधिकार देने के प्रति दुनिया को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल भारत में 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है. ये सिर्फ एक दिन और एक तारीख है, जबकि हर परिवार को ये सोच बदलनी होगी लड़कियों और लड़कों के बीच में. और इसकी शुरुआत हम आपको बता दें कि 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी. लेकिन कितना ज़रूरी है उन सभी परिवारों को समझना जिनके घर में बेटी और बेटा दोनों जन्म लेते हैं. इस दिन को मनाने के उद्देश्य से देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है. 2008 से ये दिन पूरे देश में मनाया जाने लगा और इस अवसर पर देश पर बालिका बचाओ अभियान चलाए जाने लगे. इसके अलावा गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशो और लड़कियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है. महिलाओं को सशक्त बनने के उद्देश्य से
2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लड़कियों के लिए चलाया गया। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम सरकार द्वारा उस हर परिवार की बेटी को मिला। इसके जरिए लड़कियों और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता जा रहा है। महिलाओं के प्रति होने वाले कई अमानवीय प्रथाओं जैसे भ्रूण हत्या अब कम होती दिखाई दे रही हैं। समाज के लोगों की मानसिकता पर इन अभियानों का काफी असर हुआ है। इन अभियानों से लोगों की मानसिकता को बदलने में मदद मिली है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफी जागरूकता आई है। अब लोग लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान और अधिकार दे रहे हैं। लोगों को नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूक किया जा रहा है। तो कितना जरूरी है उस इंसान को समझना जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, और कितना जरूरी है उस घर को भी समझना जिसको बहू के रूप में एक बेटी मिलती है। तो इस जग में कहीं ना कहीं लोगों की सोच को बदलना है। ईश्वर का वरदान होती है बेटियां, माँ बाप की मुस्कान होती है बेटियां, दो दो घरों की जान होती है बेटियां। सोचो कितनी महान होती है बेटियां। अभ्युदय शर्मा एक होनहार युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर समाज में बच्चियों की स्थिति पर अपने विचार और सुझाव किस प्रकार रखना चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। माय नेम इज अभ्युदय शर्मा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस दिन की इम्पोर्टेंस है कि हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। सो सोसाइटी एंड कल्चर का एक नॉर्म बन चुका है जहाँ के हम हमेशा प्रेफरेंस बॉयज को ही देते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बर्थ से लेके एजुकेशन तक, या ऐसा देखा गया है कि हमेशा प्रेफरेंस जो है वो बॉयज को ही दिया जाता है। इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो होती है घरों की या फैमिलीज की, उसमें हमेशा बॉयज को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर इनइक्वालिटी है जिसको हमें रिजॉल्व करना है, ताकि जो जेंडर बेस्ड बायसनेस है हमारे सोसाइटी में उसको टारगेट किया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है बीइंग अ मैन हम लोग गर्ल्स की प्रोग्रेस में बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी या थॉट प्रोसेस है एक फैमिलीज का या स्पेशली मेन का, उसको चेंज करने की जरूरत है। वो तभी हो सकता है जब हम लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट या एक ऐसा इकोसिस्टम दे जहाँ की हमारी गर्ल चाइल्ड जो है वो प्रॉस्पर कर सके, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो ग्रो कर सके। सोसाइटी में या हमारा माइंडसेट या अपब्रिंगिंग जैसे हम करते हैं गर्ल चाइल्ड की, दे ऑलवेज फील कि वो इंफीरियर है बॉयज से। स्टार्टिंग से वो जैसे देखती आई हैं कि बॉयज को ही हमेशा प्रेफरेंस मिलती है एजुकेशन से या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या डे टू डे लाइफ में, तो उनको हमेशा कहीं ना कहीं एक बैरियर या ब्लॉक बन जाता है उनके दिमाग में कि दे आर इंफीरियर टू बॉयज, कि ऐसा कुछ है जो वो नहीं कर सकती, ओनली बॉयज कैन डू। सो इस चीज को रिजॉल्व करने की, इस चीज पे काम करने की बहुत जरूरत है हम लोगों को, ताकि ये जो माइंडसेट है जहाँ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है गर्ल चाइल्ड के अंदर, उसको दूर करने की जरूरत है, ताकि उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल दे आर एनी लेस। वी नीड टू टीच आर बॉयज, काफी यंग एज पे हमें उन्हें टीच करना चाहिए कि दे शुड व्यू वुमेन एज अ पीपल विद हुम दे कैन वर्क टुगेदर टू अचीव लाइक ग्रेटर इम्पैक्ट। मेन को भी ये समझना चाहिए या बॉयज को इनिशियली अर्ली स्टेजेस में ये सिखाना चाहिए कि जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो गर्ल्स हैं, दे कैन वर्क टुगेदर विद देम। तो ये तभी हो सकता है जब हम यंग एज में उन्हें ये बताएं कि एक वुमेन की क्या इम्पोर्टेंस है, वो उनके साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक वुमेन के लिए वो प्लेटफॉर्म देना वो तभी है जब हम एक परफेक्ट मेंटल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट दे सके। एंड मेन शुड नॉट टेक वुमेन एज अ लाइबिलिटी, दे शुड टेक देम एज एन एसेट। सो अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी सोसाइटी या हम ऐसा एक कल्चर डेवलप कर पाएंगे जहाँ से बोथ मेन वुमेन या बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो टुगेदर एक साथ ऐसे इकोसिस्टम में ग्रो कर सकते हैं साथ में। बेटी के पिता होने पर एक बैंकर विक्रांत शर्मा कितना प्राउड फील करते हैं और बच्ची के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभाते हैं, आइए जाने। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है, मैं प्रोफेशन से बैंकर हूं और फॉर्चुनेटली एक गर्ल चाइल्ड का फादर भी हूं। मेरा आज के इस दिन के लिए मैसेज है कि हमें गर्ल्स को किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं समझना है, उनकी शुरू से ही अपब्रिंगिंग इस टाइप से करनी है
कि लड़की और लड़के में कोई डिफरेंस ना रहे। और मैं भी जैसे एक बैंक में काम करता हूँ तो हमारे साथ भी बहुत सारा फीमेल स्टाफ काम करता है, वो किसी भी लहजे से लड़कों से या मेल स्टाफ से कहीं से भी कम काम नहीं करता है और उनका काम का तरीका हमारे जैसा ही आउटपुट है। और हम सोसाइटी को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब हम सबको एक समान समझेंगे। और इसको सिर्फ बोलने से ऐसा नहीं होगा, हमें इसको ट्रू सेंस में समझना पड़ेगा और उसको ट्रू सेंस में काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है कि आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो आप एक फैमिली को एजुकेट करते हो या उसको एजुकेट करते हो, और एक लड़की को अच्छा एजुकेशन देते हो तो आप कई फैमिलीज को एजुकेशन का मौका प्रोवाइड करते हो। मैं जैसे गर्ल चाइल्ड का पेरेंट हूँ तो मेरी बच्ची 4 साल की है, तो मैं कभी भी उसके लिए कोई सिलेक्टिव अप्रोच लेके काम नहीं करता कि वो सिर्फ जैसे लड़की है तो गुड़िया के साथ या डॉल के साथ ही खेलेगी। वो डॉल के साथ भी खेलती है और सेम मैनर में वो कार या प्लेन के साथ भी खेलती है, सेम उसको ट्रीटमेंट मिलता है जैसे हम लड़के को दें या लड़की को दें वो दोनों। और वो अपने काम में इवन कभी छोटा छोटा मम्मा का भी काम में हेल्प करती है, और अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ जैसे गाड़ी का टायर चेंज करना या कोई भी ऐसी चीज है वो उसमें भी मेरी हेल्प करती है। तो ये सभी पेरेंट्स से अपील है कि वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे ही करें कि जैसे वही लड़की है उनके लिए और वही लड़का है। और अंत में एक विद्यार्थी कोमल पंडित देश में बालिकाओं की स्थिति पर अपने विचार रखते हुए। नमस्कार, आज मैं कोमल पंडित आप सबके सामने बालिका दिवस पर कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। बालिका दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आज की नारी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, घर हो या उद्योग, राष्ट्रीय गोल्ड मेडल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल या संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा तक, सभी क्षेत्रों में लड़कियां सम्मान रूप से भागीदारी ले रही हैं। परंतु इस दिवस को मनाने का क्या कारण है? आज हर एक क्षेत्र में लड़कियां कामयाबी हासिल तो कर रही है, परंतु देश में कई सारी बालिकाएं अपने हक से वंचित हैं। कई सारी बालिकाएं अपने खान पान से भी वंचित हैं। उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शोषण, बालिका वधु एवं भेदभाव इत्यादि का शिकार हो जाती है। भारत में 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में 44.5% औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां 18 साल से पहले हुई हैं। इन 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में 22%, करीब 1/4 औरतें ऐसी हैं जो 18 साल के पहले माँ बनी हैं। बालिकाओं को सेहत, शोषण व पढ़ाई जैसी चीजों पर ज्ञान दिए जाने की जरूरत है ताकि वह बड़े होकर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर व सक्षम बन सके। बालिकाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज जैसी चीजों के बारे में सचेत करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों व बालिकाओं के कल्याण के लिए सरकार ने समग्र बाल विकास सेवा, धन लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं। हाल ही में सबला योजना किशोरियों को सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इन सब का उद्देश्य लड़कियां, खासकर किशोरियों को सशक्त करना है ताकि वह आगे चलकर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे सके। समाज में आज भी बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जा रहा है। यही कारण है कि बालिकाओं के जन्म से पहले ही खत्म करवाया जा रहा है। सभी को मिलकर इस कुरीति को मिटाना है। तो श्रोताओ, ये थे बालिका दिवस पर समाज के विभिन्न वर्गों से ताल्लुक रखने वाले बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, समाज सेवियों, युवाओं व अन्य लोगों की प्रतिक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि बालिकाओं को बालकों के बराबर जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वे किसी प्रकार भी किसी भी क्षेत्र में पिछड़ कर ना रह जाएं, और ये दिवस मनाने की आवश्यकता ही ना पड़े, और हर दिन बालिकाओं का दिन हो, हर दिन बच्चियों का दिवस हो। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का, आलेख एवं वाचन जगमोहन शर्मा का, संपादक आर के रैना, और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।